नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन है आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। एलएस कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, स्पिन ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन हमें पूछ रहा है, ग्राउंड स्टेट का पूछ रहा है, ठीक है, सभी का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, क्लोरीन का, आर्गन। तो मैग्नीशियम जो है इसका आप जानते हैं एटोमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो कितना आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, दो दो चार 10 और 2 12। अब देखो ये कम्प्लीटली फील्ड है, ये भी कम्प्लीटली फील्ड है, ये भी कम्प्लीटली फील्ड है, ये भी कम्प्लीटली फील्ड है, समझ में आके बात। तो देखो जो कम्प्लीट हमारे हमेशा ना जो स्पेक्ट्रल टर्म्स आती है ना हमारी, वो जो टर्म हमारा लास्ट वाला जो सेल होता है, जो इनकम्प्लीटली फील्ड होता है, उसकी वजह से होता है। लेकिन यदि कम्प्लीटली फील्ड है लास्ट सेल हमारा, तो उसकी वजह से क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। तो देखो हमेशा आप याद रख सकते हो, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, फॉर फुल्ली फील्ड, ठीक है ना, फॉर फुल्ली फील्ड सब सेल, ठीक है, कोई भी हो, एनी कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आपके पास हो, हमेशा आंख मीच के लगा देना, जो ग्राउंड टर्म होगी वो हमेशा 1s0 आएगी, समझ में। अभी आई कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी देखो जैसे मैं यही ले लेता हूँ, लास्ट वाला टर्म देखो हमारे पास एस ऑर्बिट है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, कम्प्लीटली फील्ड है, समझ में आ गई बात, ठीक है, कोई डाउट है। अच्छा तो ये कम्प्लीटली फील्ड है, तो हमारे पास देखो इसमें क्या है, यदि मैं ms की बात करूँ, देखो +1/2 -1/2, ठीक है, कोई डाउट है। l कितना है, 0 है हमारे पास, s के लिए कितना होता है, l कितना आएगा, 0, तो ml भी कितना आएगा, 0 आएगा, समझ में आ गई बात, कोई डाउट है। तो हमेशा जो मेरे पास जो s होगा, s क्या होता है, सम ऑफ ms ही तो होता है, कितना आया, 0। कैपिटल L कितना आएगा, सम ऑफ ml ही तो होता है, कितना आएगा इस केस में, 0, ठीक है। तो हमारे पास जो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के लिए हम वो लास्ट स्पेक्ट्रल टर्म के लिए हम यही तो लिखते हैं, तो s कितना है, 0, तो यहाँ 0 लिखो, तो कितना बचेगा, 1, ठीक है। L 0 का मतलब हो गया s, J कितना है, जब s भी 0 है, L भी 0 है, तो J भी कितना आएगा, 0, समझ में। कोई भी सा भी निकाल के देख लो आप, ठीक है, क्योंकि ना कम्प्लीटली फील्ड, ऑर्बिटल है, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मेरा 0 होगा, तो उसी से मेरा सारी चीज़ आ गई। अब एक बात आप जिसे इसका ध्यान रखना, अब देखो हमसे क्या पूछा हुआ है, यही तो पूछा है, देखो मैग्नीशियम के लिए 3s1 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो चाहे तो आंसर 3 होगा या 4th होगा, समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, एल्युमिनियम, अब एल्युमिनियम का निकालते हैं। अब देखो एल्युमिनियम में कितना है, एल्युमिनियम 13 ही तो होता है, दे रखा है हमें, तो कितना आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1, एक बढ़ा दिया ना ये। अब देखो इसकी वजह से तो हमारे पास ग्राउंड टर्म आएगी नहीं, कम्प्लीटली फील्ड है, इसी की वजह से ही आएगी हमारे पास, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा हमारे पास, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा टोटल। अब आप विशेषकर ध्यान देखो, पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते, 6, ठीक है, अब इसमें कितना आया, मात्र 1, समझ में आ गई बात मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। एल कितना है, 1, तो एम एल कितना होगा मेरे पास, -1 0 1, तो -1 0 1, ठीक है, और एक ही इलेक्ट्रॉन है ना हमारे पास, तो s कितना आएगा, 1/2, तो ms कितना, मतलब s 1/2 ही आएगा इसके लिए, सिंपली ये 1/2 आ गया, ठीक है। तो देखो सम ऑफ ms कितना होगा, देखो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, एक ही है, तो 1/2 आ गया, कोई डाउट है। मैंने इससे पहले भी दुनिया भर के क्वेश्चन ऐसे कराए हैं, इसी तरीके से ml, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन है नहीं, यही आएगा, हम हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो ये 1 ही आएगा, वो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना, जोड़ कर यदि नेगेटिव भी आ रहा है तो नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे, ध्यान रखना, मूड में होता है ये, ठीक है। अच्छा तो s 1/2 आ गया, l हमारे पास 1/2 आ गया, j कितना आएगा, देखो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी दोनों को घटाने पे, 1/2, दोनों को जोड़ दो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 3/2। अब देखो तो मिनिमम ही आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई, अब देखो k n के बीच में भी कोई वैल्यू है, तो मिनिमम में 1 जोड़ना, तो यही आएगा, तो कोई वैल्यू नहीं है, समझ में आ गई बात,
ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या आएगा, स्पेक्ट्रल डर्म क्या आएगी एल्युमिनियम के लिए, एल का वैल्यू 1 है तो पी होगा, जे कितना हो सकता है 1/2 हो सकता है और 3/2 हो सकता है। एस 1/2 है तो मेरे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, यहाँ पे 1/2 रखेंगे, 2 से 2 काट देंगे, 2 आ जाएगा, ये मेरे पास हो सकता है ठीक है। लेकिन पी कितना है, 1 है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब लेस देन हाफ फील्ड हो गया ना, क्योंकि पी में 6 आ सकते थे, हाफ फील्ड का मतलब 3, लेकिन लेस देन हाफ फील्ड है। तो जब लेस देन हाफ फील्ड होता है, मैंने पहले भी बताया था, जे का कम वैल्यू ही लेंगे, तो ये आंसर होगा, ये आंसर नहीं होगा, समझ में आई बात। यदि मोर देन हाफ फील्ड होता तो मैक्सिमम वैल्यू लेते, मिनिमम नहीं लेते, उस केस में ये आंसर होता, समझ में आया। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 2P1/2, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे पास क्या होगा, देखो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं होगा ना, क्योंकि तो यही ऑप्शन आएगा। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन के बिना भी हम ये कर सकते थे, ठीक है, कोई डाउट है। इसी तरीके से क्लोरीन और आर्गन का आप निकाल के देखो, आर्गन का मैंने पीछे भी निकाल के दिखाया, थ्योरी में भी मैंने इसको ना इतना डिटेल में कराया है ना, और मैं आपको बता दूँ CSIR में ग्राउंड स्टेट पूछता है आपको 100 में, मैं बता रहा हूँ कम से कम 60-70% क्वेश्चन इसी पे मिलते हैं, बहुत क्वेश्चन मैंने पीछे कराए हैं, आप जाके देखना करना, नहीं समझ में आए तो कमेंट में मुझे बताना, मैं कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए।